हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीथल पेसर। आज की हमारी इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर टाइमल मिल्स के बॉलिंग एक्शन का। टाइमल मिल्स को इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया है। इससे पहले टाइमल मिल्स IPL में RCB के लिए भी खेल चुके हैं। मिल्स एक बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ट फास्ट बॉलर है। उनकी फिजिक बहुत ही बढ़िया है और वो लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डालने की ताकत रखते हैं। अब अगर बात करें उनके रनअप की तो मिल्स अपने रनअप में बहुत ही स्मूथली भागते हैं। उनके रनिंग स्ट्राइड्स बहुत ही रिदमिक मूवमेंट में चलते हैं। उनके हाथ उनकी बॉडी के काफ़ी क्लोज रहते हैं जिससे कि उनका रिदम या मोमेंटम कहीं भी ब्रेक नहीं होता। अब बात करते हैं उनकी लोडिंग की। मिल्स की लोडिंग में एक ख़ास बात यह है कि लोडिंग के टाइम पे उनके बॉलिंग और नॉन बॉलिंग आर्म दोनों ही बॉडी के काफ़ी क्लोज रहते हैं। देखिए कि कैसे अपने बॉलिंग आर्म को लोड करते टाइम वो उसे अपने हेड के पास ही रखते हैं। इसी तरह उनका नॉन बॉलिंग आर्म भी बॉडी के काफ़ी क्लोज ही रहता है और कैसे वो अपनी एल्बो को एक्सटेंड करते हुए उसे फिनिश करते हैं। उनके लोडिंग के टाइम पे एक ख़ास बात और है जो उनकी बॉलिंग में पेस जनरेट करने में हेल्प करता है, और वो ये है कि जब उनका बैक फुट लैंड करता है तो उनका हील ग्राउंड को टच नहीं करता और उसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपनी बॉडी का सारा मोमेंटम शिफ्ट कर पाते हैं और अपने रनअप के फोर्स को अपनी बॉलिंग में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। उनकी इस पेस को एक अच्छी लाइन और लेंथ में फिनिश करने में उनकी हेड पोजीशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप देखें तो रनअप के स्टार्ट से लेकर अपने फॉलो थ्रू तक उनकी आंखें अपने टारगेट पे ही रहती है। एक अच्छी हेड पोजीशन होने की वजह से उनकी बॉडी काफ़ी असेंबल्ड रहती है। एक अच्छी स्पीड से बॉल डालने के साथ साथ उनके पास एक बहुत ही अच्छा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल भी है। मिल्स इसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और ये उनकी एक विकेट टेकिंग डिलीवरी यानी कि स्टॉक बॉल भी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। चैनल के रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।